Children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is housing and clothing, and the things we will learn are clean house, clothing. Now, we all need a house to live in, a house protects us from heat, cold, and rain. There are many kinds of houses, a house can be big or small, but all houses must be kept clean. सो अस लर्न हाउ टू कीप हाउसेस क्लीन हमें रहने के लिए सबको घर की जरूरत पड़ती है क्योंकि घर जो है वो हमें सर्दी गर्मी बारिश से बचाता है और हमें एक कम्फर्ट की आराम की फीलिंग भी देता है चाहे घर बड़ा हो या छोटा हो हमें उसे हमेशा साफ रखना चाहिए सो लेट इस नाउ लुक एट अ क्लीन हाउस अ क्लीन हाउस इज हाइजीनिक जर्म्स लाइक टू लिव इन अ डर्टी प्लेस एंड जर्म्स आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन स्प्रेड डिजीजेज एंड कैन मेक अस एल द फॉलोइंग आर ऑफ यू वेस्ट टू कीप आर हाउस क्लीन तो हमारा घर अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा कि एन्वायरमेंट में छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जिनको कि गंदगी पसंद होती है और ये जो जर्म्स हैं ये बीमारियाँ फैलाते हैं तो देखते हैं कि हम अपना घर कैसे साफ रख सकते हैं ना थिंक टैंक वॉट इज़ दी डिफ्रेंस बिटवीन क्लिनलीनेस एंड hygiene think about it so house should be well lit now insects such as cockroaches and house flies live in dark and damp houses these insects can cause many diseases germs too live in dark and damp houses thus

डार्क और डैम्प यानी कि बिल्कुल अंधेरे वाली और जहाँ पे थोड़ी नमी होती है वैसी जगहों पे रहना पसंद होता है तो अगर हमारा घर जो है वो हर टाइम उसमें लाइट अच्छे से हो मतलब दिन के टाइम में तो आप अगर खिड़कियाँ खोल के सनलाइट को आने दें तो और भी अच्छा है क्योंकि सनलाइट जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है वो छोटे छोटे जर्म्स या कीटाणुओं को मार देता है तो अगर हम अपने घर में हमेशा रोशनी रखेंगे और सफाई रखेंगे और कोशिश करें कि नमी कहीं पे ना हो तो हम अपने घर को बीमारियों से बचा सकते हैं देन हाउस शुड बी एयरी वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीद क्लीन एंड फ्रेश एयर एंटर्स आर हाउस थ्रू डोर्स एंड विंडोज वी मस्ट कीप देम ओपन टू लेट इन द फ्रेश एयर If we stay in a room with closed windows and doors all the time, we will be breathing stale air as there will be no supply of fresh air. However, open doors and windows also allow mosquitoes and house flies to enter our house. So, to prevent them from entering our house, a wire netting can be used. Now, it is important to stop mosquitoes and flies from entering our house. Mosquitoes spread diseases such as malaria and dengue. हाउस फ्लाइज सेट ऑन गार्बेज एंड कैरी डर्ट एंड जर्म्स ऑन देयर लेग्स नाउ दीज फ्लाइज देन सेट ऑन अनकवर्ड फूड एंड लीव द डर्ट एंड जर्मस ऑन इट ईटिंग सच फूड कैन मेक अस सिक तो हमारे घर में जितनी साफ हवा की सर्कुलेशन होगी उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि हमें वैसे भी फ्रेश और साफ हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए तो आप अपने डोर्स और विंडोज़ को जितना ओपन रखेंगे खुला रखेंगे उतनी साफ हवा घर के अंदर सर्कुलेट करेगी लेकिन अगर आप डोर और विंडो ओपन रखेंगे तो मच्छर मक्खी आ सकती है और इनसे फिर बीमारियां फैलती हैं तो मच्छर मक्खी आपके घर में ना आए उसके लिए आप अपने दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे जब आप उनको ओपन रखें तो वायर की मैश या नेट जैसे आती हैं उनको लगा सकते हैं फिर आप ये सोचिए कि जितनी ये मक्खी मच्छर हैं ये क्या करते हैं कि ये बाहर गंदगी पर बैठते हैं गंदगी पर बैठने के बाद इनके पैरों में टांगों में जर्म्स लग जाते हैं फिर जब ये अगर हमारा कोई खाना अनकवर्ड पड़ा है उसके ऊपर बैठते हैं तो वही जर्म्स और गंदगी उस खाने में ट्रांसफ़र करते हैं हम अगर ऐसा खाना खाएं तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं तो इसलिए क्या ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को मेक uh, श्योर sure करें कि हमारे घर में मक्खी मच्छर अंदर ना आए सो लेट्स सी To ensure further cleanliness and hygiene, what are the things we must do? Use dustbin to throw waste. These dustbins must always be kept covered. Garbage and waste should be removed regularly.

जो आपके घर के फर्श होते हैं उन पर रेगुलर झाड़ू पोछा लगना चाहिए पोछे के पानी में अगर आप डिस डालेंगे तो जर्म्स और इंसेक्ट्स नहीं आएंगे जितने आपके डोर्स हैं फर्नीचर है या खिड़कियां हैं इन सबको आप रेगुलरली डस्ट करके रखें डस्ट फ्री करके रखें देन द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड फूड केप्ट इन दी ओपन विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज द यूज यूटेंसिल्स शुड नॉट बी लेफ्ट इन दी सिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम किचन में आप खाने को हमेशा ढक के रखें ताकि उसके ऊपर कीड़े या मक्खी मच्छर ना बैठें। फिर जो आपके यूज्ड बर्तन होते हैं गंदे बर्तन होते हैं उनको सिंक में ज्यादा देर तक ना रखें रेगुलर उनकी सफाई करते रहें बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन रेगुलरली द आउटलेट्स ऑफ ड्रेन ऑफ बाथरूम्स इन किचन शुड बी कवर टू कीप अवे कॉकरोचेस तो आपके जो बाथरूम सिंक टॉयलेट वगैरह है उनको रेगुलरली साफ रखें और जहां से भी ड्रेन आउट होता है आपके घरों में से बाथरूम में से या किचन में से जो गंदा पानी ड्रेन आउट होता है उसको हमेशा ढक के रखें ताकि कॉकरोच ना आए वहाँ पे वी शुड कीप ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस दिस मेक्स अ रूम नीट एंड टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज इफ़ वी हैव पेट्स एट होम देयर लिविंग एरियाज मस्ट बी क्लीन रेगुलरली अपनी चीज़ों को उनकी सही जगह पर ही रखें और अगर आपके पास पेट्स यानी कि पालतू जानवर हैं तो वो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को भी रेगुलरली साफ करें नाउ लेट अस लुक एट क्लोदिंग वी वेयर क्लोथ्स टू कीप आर्सल सेफ फ्रॉम हीट कोल्ड विंड एंड रेन क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स द फर्स्ट क्लोदिंग ऑफ अर्ली ह्यूम वॉज मेड ऑफ लीव्स एंड ग्रास पीपल ऑल्सो हंटेड एनिमल्स एंड रिमूव देयर स्किन्स विच वर यूज एज क्लोथ्स लेटर दे बिगैन टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम वूल एंड कॉटन तो कपड़े क्या करते हैं वो हमें ठंड से गर्मी से बारिश से और ताकि हमें कोई इंसेक्ट काट ना ले इन सब चीज़ों से बचा के रखते हैं अब सबसे पहले जो इंसान थे उनको नहीं पता था कपड़े कैसे बुने जाते हैं रेशों से या धागों से तो वो क्या करते थे कि पत्तियों से और घास से अपने कपड़े बनाते थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिन एनिमल्स को वो शिकार करते थे उनकी स्किन को रिमूव करके उनसे अपने कपड़े बनाते थे और पहनते थे नाउ क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स फाइबर्स थिन Thread-like structures, फाइबर्स are used to make yarns. Yarns are woven or knitted together to make a fabric. Pieces of fabric are stitched together to make क्लोथ्स तो क्या है कि हमें ये पहले रेशे या धागे मिलते हैं जिनसे कि हम यार्न बनाते हैं जहाँ पे हम रेशे या जो धागे हमें मिलते हैं उनको रोल करके इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं फिर इन यार्नस को क्या करते हैं इनको बुन करके हम कोई कपड़ा यानी कि फैब्रिक बुनते हैं अब इस फैब्रिक से हम किसी भी तरह के कपड़े बना सकते हैं चाहे वो शर्ट हो पैंट हो स्कर्ट हो साड़ी हो कुछ भी हो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट दी नेचुरल फाइबर्स फाइबर्स दैट आर ओब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स कॉटन जूट वूल एंड सिल्क आर एग्जैंपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स नेचर में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे जो हमें फाइबर्स या रेशे या धागे मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है और इनमें आते हैं हमारे कॉटन जूट वूल और सिल्क देन वी हैव प्लांट फाइबर्स फाइबर्स ओब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स कॉटन फाइबर इज ओब्टेंड फ्रॉम कॉटन प्लांट इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ सच एज शर्ट्स फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये कॉटन प्लांट में जो इस तरह का फ्लावर निकलता है इससे हमें कॉटन के फाइबर या धागे मिलते हैं या इनसे हम जो फाइबर या रेशे मिलते हैं उनसे हमें धागे बनाते हैं और इस फाइबर से फिर हम कॉटन के फैब्रिक्स यानी कि कपड़ों के थान बनाते हैं और इन कपड़ों के थान से हम किसी भी तरह की ड्रेस बना सकते हैं चाहे वो फ़्रॉक हो शर्ट हो या कुछ भी हो then flax fiber is obtained from the flax plant the fabric made out of flax fiber is called linen it is used for making bed linen table cloth towels and clothes to ye jo hai ye aapka flax plant hai isme se hame jo dhage ya reshe milte hain फाइबर्स उनसे हम जो fabric बनाते हैं उसको linen fabric कहते हैं और इससे फिर हम टेबल क्लॉथ हो towel हो कपड़े हो कुछ भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं Next comes our animal fibers. Now, fibers obtained from animals are called animal fibers. Wool and silk are animal fibers. So, wool is obtained from sheep. Wool is used to make woolen clothes such as sweaters, mufflers, coats, and gloves. These clothes keep us warm. Then, silk fiber is obtained from the cocoons of silkworms. It is used to make silk clothes such as saris, ties, and scarves. सिल्क क्लोथ्स आर सॉफ्ट एंड फाइन तो जो हमें जानवरों से फ़ाइबर्स मिलते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं तो शीप या याक टाइप के जो एनिमल्स हैं उनसे हमें वूल यानी कि ऊन मिलती है और इस ऊन से हम स्वेटर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं जो सर्दियों में हमें गरमाइश देते हैं या गर्म रखते हैं फिर एक सिल्क वर्म्स आते हैं उनके जो कोकून्स होते हैं उनसे हमें सिल्क का फाइबर मिलता है और इस फाइबर से हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं जैसे कि साड़ी हो गई या टाइज या स्कार्फ्स कुछ भी नाउ इट इज अ फैक्ट द वूली कोट ऑफ शीप दैट इज शियर्ड ऑफ इज कॉल्ड फ्लीस द फ्लीस इज टर्न इन टू फाइबर एंड यान वी गेट फूल फ्रॉम यान सो लेट इज नाउ लुक एट मैन मेड फाइबर्स फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन और सिंथेटिक फाइबर्स जो इंसान फाइबर खुद बनाते हैं उस फाइबर को सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर कहा जाता है नाइलन पोलियस्टर एंड एक्रेलिक आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स नाइलन इज यूज्ड टू मेक स्पोर्ट्स फेयर जैकेट्स एंड सॉक्स पोलियस्टर इज यूज फॉर मेकिंग रेन कोट्स एक्रेलिक इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स तो नायलन पोलियस्टर एक्रिलिक के एग्जाम्पल्स हैं नायलन से हम स्पोर्ट्स वेयर जो है जब खेल कूद के जो कपड़े हैं वो बनाते हैं जैकेट्स बनाते हैं सॉक्स बनाते हैं पोलियस्टर को हम रेनकोट बनाने में यूज़ करते हैं और एक्रेलिक से हम स्वेटर्स बनाते हैं नाउ लेटस्ट लुक एट क्लोदिंग टू सूट द वेदर डिफरेंट फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ फॉर डिफरेंट सीजन अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग टाइप के फाइबर के कपड़े पहने जाते हैं In summers, we wear light colored cotton or linen clothes because light colors absorb less sunlight and thus help to keep the body cool. Cotton and linen fabrics allow air to pass through easily and absorb the sweat to keep the body cool. In winters, we wear dark colored woolens or synthetic clothes because dark colors absorb the sunlight and keep us warm. And woolen. And synthetic clothes prevent the body heat to escape. They prevent the cold air from entering inside. So सो we, wear clothes made out of fur in very cold places. तो हम जब मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं गर्मियों में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम कॉटन या लिनन के कपड़े पहनते हैं ये जो कपड़े हैं ये अगर हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो कम सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं अगर वो हीट यानी कि सनलाइट को कम ऑब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी थोड़ी ठंडी रहेगी फिर इन फैब्रिक्स में से एयर या हवा ईजिली पास हो जाती है जिस वजह से हमें थोड़ी ठंडक का एहसास होता है विंटर्स में हम क्या करते हैं गाढ़े यानी कि डार्क कलर के वो ऊनी या फिर सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं अब डार्क कलर जो है वो सनलाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को गर्माइश या गर्मी मिलती है फिर जो वूलन और सिंथेटिक कपड़े हैं वो हमारी बॉडी की जो अपनी हीट होती है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं जिसकी वजह से हमें फिर थोड़ी सी गर्मी का या गर्माइश का एहसास होता है और जो बाहर की ठंडी हवा है वो उसको कपड़े के अंदर नहीं आने देते So let us take a quick recap. A house protects us from heat, cold, and rain. Germs are small living things that can spread diseases and can make us ill. We must keep windows open during the daytime to allow sunlight to come in. If we stay in a room with closed windows and doors all the time, we will be breathing stale air, and as there will be no supply of fresh air. If we have pets at home, their living areas must be cleaned regularly. There are two types of fibers natural and man made fibers. Different fibers are used to make different types of clothes for different seasons and reasons. So, I hope that this chapter is clear to all and you will be able to answer questions based on this chapter now easily.